ड्राई चिकन चिली बनाने के लिए ये हमने चिकन लिया है आधा किलो, एक अंडा, चार मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, एक शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ऑयल, कॉर्नफ्लावर, नमक और इस सॉस में हमने सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस। ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और ये बटर। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, फिर इसमें अंडा फोड़ देंगे, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च हम इसमें आधा ही डालेंगे सारे मसाले में से, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, नमक, नमक हम ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें, और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, अच्छी तरह अपने हाथों से इसे मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह मिला के हम 10-15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसे फ्राई करने के लिए हमने गैस पे ये फ्राई पैन रखा है जिसमें हमने तेल डाला, गरम होने देंगे इसे तेज आंच पे, उसके बाद ये हमने जो चिकन मिक्स लिया था मैरिनेटेड चिकन उसे डालेंगे इसमें फ्राई करने के लिए। ये हमारे एक तरह से फ्राई हो चुका है, इसे हम पलट देंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे।
आप इसे किचन पेपर पर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और इसी तरह हम बाकी के जो चिकन है उसे भी फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद ये हमने पैन रखा है सॉस बनाने के लिए गैस पे। अब इसमें हम ये बटर डालेंगे। हम इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी मिलाएंगे। आप चाहे तो खाली बटर में ही बना सकते हैं या खाली ऑयल में भी बना सकते हैं। हमने दोनों का इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब हमने इसमें ये प्याज कटे हुए डाल दिया। ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो बाकी बचा है उसे डाल देंगे। इसे भी हल्का चला लेंगे हम। हरी मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च, इसे हम 30 सेकंड के लिए ढक देंगे। अभी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। काली मिर्च पाउडर जो हमने आधा आधा इस्तेमाल किया था
चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाले, तो बाकी के मसाले हम डालेंगे इसमें सब। नमक डालेंगे, नमक याद रहे हमने फ्राई करने के समय चिकन में भी नमक डाला था, तो ज़्यादा नमक न डालेंगे इसमें। अब हम इसमें ये सोया सॉस डालेंगे। थोड़ा मिला लेंगे इसे हम। रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, अब इसे हम अच्छी तरह चलाएंगे इसे। अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे। हमने इसमें पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि हम इसे ड्राई बना रहे हैं, ड्राई चिली चिकन। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे हम। तो चलिए ये हमारा ड्राई चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। आप इसमें टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने यूज नहीं किया है। तो ये हमारा ड्राई चिल्ली चिकन रेडी है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।